दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन। हिमाचल प्रदेश हिमाचल पेंशनर्स संघ के राज्य स्तरीय द्विवर्षीय चुनाव गुरुवार को पेंशन भवन हमीरपुर में आयोजित किए गए। चुनावों में योगराज शर्मा को सर्वसहमति से लगातार तीसरी बार संघ का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है। योगराज शर्मा ने बताया, पेंशनरों की लंबित मांगों व समस्याओं के बारे में जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया जाएगा। इसके अलावा जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनरों को उनके पेंशन संशोधन के मामले महालेखाकार कार्यालय में लंबित पड़े होने की वजह से उन्हें देय आर्थिक लाभ मिल पाने में साल से ऊपर का विलंब हो चुका है, उसे जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों में पेंशनरों के चिकित्सा बिलों की अदायगी भी समय पर किए जाने का प्रयास रहेगा। हमारा दिवस के चुनाव 25 के लिए हुआ है, ये मेरा तीसरा चुनाव था और माननीय सदन ने मुझे तीसरी बार फिर सर्वसम्मति से प्रधान चुना है। हम प्रदेश की जो भी पेंशन की डिमांड्स हैं वो सरकार के साथ उठाएंगे और प्रायोरिटी पर हमारा रहेगा कि जो 2016 के बाद लोग रिटायर हुए हैं और उनके मामले एजी में लंबित हैं, उनको सबसे पहले हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। हमारी डिमांड जो हैं, जैसे कि प्रत्येक पेंशन जो 65-70 की आयु का हो गया उसको 5-10-15 का अपनी बेसिक इसमें पेंशन में लाभ मिल रहा है, तो हमारी ये चिरकाल से चली हुई डिमांड है, इसको हम अपनी बेसिक पेंशन में इमर्ज करवाने की डिमांड जो है हमारी चलती रहेगी। हम सरकार को इसके बारे में बाध्य करने के लिए भी अगर संघर्ष करना पड़े तो भी करेंगे। और इसके साथ ही मेडिकल अलाउंस आज 400 रुपये दिया जा रहा है, जो कि बहुत पहले से आज तक चालू रखा है। आज दवाइयों के रेट जो हैं वो कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि प्रत्येक पेंशनर्स को महीने के उपरांत 1500 रुपये जो है वो एज मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग वृद्ध हैं और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। इसके साथ ही एक धूमल जी की सरकार के समय से एक हमारी डिमांड चली हुई है कि 2 साल के बीच हमें एक बेसिक पेंशन जो है वो हमने डिमांड रखी थी, और तब धूमल जी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये सीरियल नंबर 9 पर रखा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको पंजाब के आधार पर ये सभी लाभ देंगे, वो भी अब तक का हमारा लंबित है। इसके लिए भी हम सरकार को बिल्कुल स्ट्रेस करेंगे। सरकार अगर ये कहती है कि हमारी आर्थिकी बहुत कमज़ोर है तो ये हमारा पेंशन का विषय नहीं है, ये सरकार का विषय है। सरकार के जो MLAs हैं या मंत्री हैं वो अपनी सैलरी या अलाउंसेस तो कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कुठाराघात जो है वो पेंशनर्स के ऊपर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अन्याय है। पर्सनली हमारी 3 पोस्टें जो होती हैं वो इलेक्टेड होती हैं, प्रदेश प्रधान, प्रदेश महासचिव और वित्त सचिव, तो इसलिए 2 बाकी जो हैं वो प्रदेश प्रधान अपने साथियों के साथ मिलकर के बाकी सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। What does it take to be your best at Shulini University? You learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top-ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulini University, India's number one private university.